गुड मॉर्निंग ऑल। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमारे लेक्चर चल रहे थे, तो डिटेल्स में जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम आज सी अर्चिन जो है इकानोडर्मेट, उसका अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हमने क्लीवेज जो था, गैस्ट्रुलेशन के पैटर्न थे, उनके बारे में हमने बात की थी। हमने बेसिक जो थे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, उनके बारे में बात की थी कि जायगोट बना, जायगोट जो बना उसके बाद क्लीवेज शुरू हो जाता है, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहले न्यूरोलाज या न्यूरोलेशन जो स्टेज है वो वाली आती है। तो ये कुछ बेसिक्स जो थे ये हमने बात कर ली थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। और आज अपन सी अर्चिन जो है इसके अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सी अर्चिन जो है इसके अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। यॉक की अमाउंट कम हो या स्पार्सली यॉक जो है वो पूरा होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो ऐसे एग के अंदर क्लीवेज जो फरो है वो कंप्लीटली जायगोट को डिवाइड करती हुई आगे बढ़ती है और इसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या पार्शियल क्लीवेज वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर यॉक की अमाउंट ज्यादा रहती है। तो यहां पर रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज रहता है सेम स्पीसी जो है इकानोडर्मेट जो है उनके अंदर। इनिशियल जो सेवन क्लीवेज रहते हैं उनका पैटर्न जो है वो एक्सटीरियर टाइप है, यानी कि वो पैटर्न जो है वो सभी में फिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके आगे डिफरेंसेस हो सकते हैं। और क्लीवेज के दौरान माइटोसिस परफॉर्म किया जाता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है सेल बायोलॉजी के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर G1 और G2 फेज जो है क्लीवेज में वो एब्सेंट रहती है, क्योंकि जो एग होता है उसका साइज नॉर्मल सोमेटिक सेल से काफी बड़ा होता है। तो क्लीवेज के दौरान सेल्स जो है उनका साइज धीरे 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 छोटा होता जाता है और वो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स के साइज के बराबर आ जाती हैं। तो G1 और G2 फेज एब्सेंट होने के कारण क्लीवेज जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा वैसे वैसे सेल्स का साइज जो है वो छोटा होता रहेगा। और क्लीवेज के बाद जब ब्लास्टुला स्टेज आएगी तो फिर एम्ब्रियो का साइज जो है वो भी बढ़ना शुरू होगा। सी अर्चिन में कुछ स्पेसिफिक जो पैटर्न है इनिशियल क्लीवेज के उनके बारे में अपन बात शुरू करते हैं आज। तो यहाँ पर ये जो जायगोट है 2N सेल ये यहाँ पर हमने शो की है और इसके बाहर की तरफ जो है कॉर्टिकल जो ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन थी जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसके द्वारा हायलिन या कुछ मैटर जो है वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं और बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन जो एनवलप का निर्माण हो जाता है, विट्रोलाइन एनवलप जो थी वो फर्टिलाइजेशन एनवलप में चेंज हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये एग जो है ये चारों तरफ से उस फर्टिलाइजेशन एनवलप से कवर है, बाहर की तरफ हायलिन लेयर जो है वो सिक्रीट रहती है जो कि आगे ब्लास्टुला जब बनेगा तो उस ब्लास्टुला वाली जो सेल्स हैं ब्लास्टोडर्म वाली उन सेल्स को एक बेस प्रोवाइड करेगा। यहां पर दो तरह के क्लीवेज हैं जो पैटर्न हम देखेंगे। यहां पर अगर क्लीवेज फरो इस तरह से वर्टिकली इस एग को डिवाइड करेगी तो हम उसको बोलेंगे मेरियोडोनल प्लेन या मेरियोडोनल डिवीजन, और अगर हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड करेगी तो हम उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल डिवीजन या इक्वेटोरियल क्लीवेज। तो यहां पर कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इन द एग, और कुछ स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है स्पार्स अमाउंट में। यॉक जिस साइड में प्रेजेंट है उसको हम वेजिटल पोल कहेंगे और उसका अपोजिट जो है उसे एनिमल पोल कहेंगे। फिर फर्स्ट जो क्लीवेज है वो मेरियोडोनल क्लीवेज होगा जिससे कि सेल्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि टू साइड स्टेज आएगी। इसको इसके अंदर फिर से एक और मेरियोडोनल क्लीवेज होगा इन दोनों सेल्स के अंदर, और इन दोनों सेल्स के अंदर जो मेरियोडोनल क्लीवेज होगा उससे फिर ये फोर साइड एम्ब्रियो जो है बन जाएगा और चारों सेल्स इक्वल
साइज के हैं। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिर जो दो सेल्स बनी उनको वापस से वही मीडियोडोनल प्लेन में, लेकिन पहले वाला जो डिवीजन था उसके परपेंडिकुलर क्लीवेज फरो बनती है। तो अब सेल्स यहां पर जो दो सेल्स है वो चार सेल्स बना ली। अब ये जो चार सेल या फोर सेल स्टेज एम्ब्रियो जो बना है, इसमें थर्ड जो क्लीवेज होता है वो थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, जिससे कि अपर हाफ जो है वो फोर सेल्स बन जाएंगी और लोअर हाफ में फोर सेल्स बन जाएंगी, यानी कि टोटल एट सेल स्टेज जो है वो यहां पर आ जाती है। अब ये जो एट सेल स्टेज यहां पर आई है, इसमें ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो तो मेरिडोनल डिवीजन करती है, यानी कि मेरिडोनल प्लेन में डिवीजन करती है, यानी कि ये जो चार है एक ही लेयर में रहते हुए ये चार से आठ बन जाएगी, हर एक सेल में मेरिडोनल डिवीजन होगा। तो जो चार सेल है ये चार से आठ सेल बन जाएगी, लेकिन लेयर में चेंज नहीं होगा, लेयर में चेंज तब होगा जब इक्वेटोरियल प्लेन में डिवीजन होगा। तो जो अपर फोर सेल्स है वो मेरिडोनल क्लीवेज के द्वारा एट सेल लेयर बना लेगी ऊपर वाली, और जो नीचे वाली चार सेल्स हैं उनमें अनइक्वल इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, जिससे कि आठ सेल्स बनेगी, एक लेयर ऊपर चार सेल्स की और एक लेयर नीचे चार सेल्स की। तो जो ऊपर वाली लेयर है चार सेल की वो तो बड़ी बड़ी सेल्स बनेंगी, लार्ज सेल्स बनेंगी, और जो नीचे वाली चार सेल्स की लेयर है वो छोटी सेल्स बनेंगी। तो सबसे ऊपर जो आठ सेल वाली लेयर है ये बेसिकली साइज के आधार पर इन्हें मीजोमियर कहा जाता है, ये सबसे बड़ी है तो इनको मैक्रोमियर कहा जाता है, और जो सबसे नीचे की तरफ है वो सबसे छोटी है तो इन्हें माइक्रोमियर कहा जाता है। यहां पर एम्ब्रियो जो है वो 16 सेल स्टेज में आ गया है। अब इस एम्ब्रियो में यहां पर जो ये अपर लेयर है इसको एनिमल पोल वाली लेयर कहेंगे अपन, और नीचे वाली जो लेयर्स है इनको वेजिटल लेयर्स कहेंगे। तो ये जो एनिमल लेयर्स हैं या एन लेयर्स हैं, इनमें अब डिवीजन होगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवीजन होगा, यानी कि ये सेल्स जो है ये बराबर ऊपर और नीचे दो लेयर बना लेगी, ऊपर वाली आठ लेयर आठ सेल्स क्लियर होगी, नीचे वाली भी आठ सेल्स क्लियर होगी, तो यहां पर ये दो लेयर बन गई है मीजोमियर्स की। और ये जो मैक्रोमियर्स हैं, इन मैक्रोमियर्स में मेरिडोनियल प्लेन में क्लीवेज होता है, मतलब नंबर ऑफ लेयर चेंज नहीं होंगे लेकिन ये चार से आठ हो जाएंगी। तो यहां पर ये आठ सेल्स की लेयर है जो कि मैक्रोमियर्स की बनी हुई है। फिर ये जो माइक्रोमियर्स हैं, ये माइक्रोमियर अनइक्वल इक्वेटोरियल डिवीजन करती है, मतलब नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होंगे लेकिन पर लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे यहां पर। तो ये माइक्रोमियर जो है ये स्मॉल माइक्रोमियर और लार्ज माइक्रोमियर बनाती है, ऊपर की तरफ तो चार लार्ज माइक्रोमियर और नीचे की तरफ चार स्मॉल माइक्रोमियर्स बनेंगी। टोटल यहां पर 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो बन गया है। अब ये जो मीजोमियर जो है स्मॉल मीजो, तो यहां पर ये 32 सेल्स स्टेज वाला एम्ब्रियो जो है वो यहां पर बन जाएगा। और अब ये जो नीचे की तरफ स्मॉल माइक्रोमियर्स हैं ये डिवीजन करना बंद कर देती हैं, और ये स्मॉल माइक्रोमियर्स अब तब तक डिवीजन नहीं करती हैं जब तक कि लार्वल स्टेज नहीं आ जाती हैं। तो अब जब नेक्स्ट क्लीवेज राउंड होगा, यानी कि सिक्स्थ राउंड होगा जब क्लीवेज का, तो बननी चाहिए यहां पर 32 से 64 सेल, लेकिन जो सिक्स्थ क्लीवेज के बाद यहां पर 60 सेल स्टेज जो है एम्ब्रियो की वो यहां पर आ रही है। और ये जो 60 सेल स्टेज है एम्ब्रियो की, इसमें जो सेल्स हैं उनके फेट को स्टडी की गई और फेट मैप जो है उसको प्रिपेयर किया गया। तो उस फेट मैप के आधार पर अपन बात करते हैं। तो फेट मैप के अकॉर्डिंग ये जो 16 सेल्स हैं AN1 और ये 16 सेल्स AN2 लेयर वाली एनिमल पोल की तरफ, ये आगे चलकर एक्टोडर्मल सेल्स बनाती हैं जो कि लार्वल स्किन और न्यूरॉन सेल्स का निर्माण करती हैं। फिर जो मैक्रोमियर्स की लेयर वेज 1 है, वेजिटल 1 लेयर, ये ओरल एक्टोडर्म
हिंडगट वाले रीजन जो है उनको बनाती हैं। वेजिटल टू लेयर वाली जो एट सेल्स हैं ये आगे चलकर मिडगट फोरगट और नॉन स्केल्टोजेनिक मीजेनकाइमल सेल्स या जिनको सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स कहते हैं उनमें डिफरेंशिएट होती हैं। और ये सेकेंडरी मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं ये आगे चलकर पिगमेंट इम्यूनोसाइट मसल्स वाली सेल्स का निर्माण करती हैं। इसी तरह से जो लार्ज माइक्रोमीयर्स हैं ये लार्ज माइक्रोमीयर्स प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट होती हैं और ये प्राइमरी मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं ये स्केल्टोजेनिक होती हैं यानी कि ये लार्वल स्केल्टन सेल्स का निर्माण करती हैं। और जो फोर स्मॉल माइक्रोमीयर्स हैं ये जो हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले नहीं करती हैं और ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बेसिक फेट मैप है जो कि 16 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो में हमने शो किया है। तो यहाँ पर 32 सेल स्टेज से 6th जब क्लीवेज हुआ तो उस क्लीवेज के दौरान जो मीजोमियर वाली सेल्स हैं उनके अंदर तो यहाँ पर हुआ था मीजोमियर वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर तो यहाँ पर 8 से 16 सेल बनी यानी कि यहाँ पर मेरिडोनल क्लीवेज हुआ था इन दोनों के अंदर और जो वेजिटल लेयर की तरफ जो सेल्स हैं उनके अंदर इक्वेटोरियल क्लीवेज हुआ था यानी कि ऊपर वाले में मेरिडोनियल और नीचे वाले में वेजिटल। अब जब 7th क्लीवेज होता है तो इसका अपोजिट देखने को मिलता है यानी कि ऊपर वाली जो दो लेयर हैं इनके अंदर तो इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा या इक्वेटोरियल डिवीजन होगा और जो नीचे वाले लेयर्स हैं उनके अंदर मेरिडोनल डिवीजन होगा और इससे नेक्स्ट 120 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो बनेगा जबकि बनना चाहिए था 128 सेल वाला लेकिन यहां पर क्योंकि इन सेल्स ने डिवीजन करना बंद कर दिया था इसलिए यहां पर 60 से 120 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो जो है वो आगे बनेगा। और फिर 120 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो जो बन गया है जिसका कि हमने यहां पर फेट मैप स्टडी किया है इसमें फिर कुछ चेंजेस होने शुरू होते हैं। सेल्स पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू होती हैं अंदर की तरफ एक कैविटी बनना शुरू होती है यानी कि ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो 120 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो था ये फिर आगे चलकर इसमें रीअरेंजमेंट हुआ और ये एक ब्लास्टुला स्टेज जो है ये सेल्स पेरिफेरी की तरफ खिसक जाएंगे बाहर की तरफ हाइलिन लेयर प्रेजेंट है उसके बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन एनवलप प्रेजेंट है हाइलिन लेयर जो है वो बेस प्रोवाइड करती है अंदर की तरफ जो है एक कैविटी बन जाती है उस कैविटी के अंदर फ्लूड फिल हो जाता है ये बन जाता है यहां पर ब्लास्टुला। कुछ अलग स्पीसीज जो है उनमें 8th डिवीजन के बाद या 8th क्लीवेज के बाद या 9th या 10th क्लीवेज के बाद जो है ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है डिपेंड करता है स्पीसीज जो है उनमें डिफरेंस के आधार पर। हम इकाइनस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें 120 सेल स्टेज में ये ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाता है और ये ब्लास्टुला जो है यहाँ पर सेल्स में कुछ मार्किंग भी हो गई है यानी कि सेल्स का एपिकल और बेसल सरफेस जो है वो भी देखना शुरू हो गया है क्योंकि जो आउटर लेयर है वहां पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई है जो कि हाइलिन वाली लेयर की तरफ है और अंदर की तरफ कैविटी की तरफ जो है वो सीलिया नहीं बने हुए हैं जिसको कि बेसल सरफेस कहा गया है। तो यहां पर एपिकल और ये जो बेसल सरफेस है इनका बनना शुरू हो गया है। अब यहां पर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान सेल मूवमेंट और सेल रीअरेंजमेंट होना शुरू होता है। जो एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं और वो 3 जर्म लेयर जो हैं वो एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म होती हैं। इकानोडर्म्स जो हैं इनके अंदर ट्रू सिलोम भी प्रेजेंट होती है यानी कि सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और जो सिलोम है वो एंटरोसिली टाइप की होती है। तो यहाँ पर जो है वेजिटल पोल की तरफ सेल्स में कुछ स्पेसिफिक सिग्नलिंग होती है और वो सिग्नलिंग जो है वो सेल्स में कुछ चेंजेस करवाती है शेप में और उन शेप में चेंजेस के कारण इनवेजिनेशन होना शुरू होता है। सेल मूवमेंट्स में हमने पढ़ा था कि सेल की लेयर जो है वो अगर अंदर मैं पोक करना शुरू कर दूँ एक तरह से एक होलो बॉल है एक खोखली बॉल है उस बॉल में मैं अगर नीचे से उंगली लगा रहा हूँ और उसको अंदर की तरफ दसा रहा हूँ पोक कर रहा हूँ उसको तो वो जो लेयर अंदर की तरफ जा रही है
बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट होता है इनवेजिनेशन। तो वो इनवेजिनेशन मूवमेंट यहां पर होना शुरू होता है जिससे कि सेल्स अंदर की तरफ पोक होना शुरू हो रही है एक लेयर, और एक कैविटी बनना शुरू होती है यहां पर। उस कैविटी का जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर यहां पर फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांजिशन शुरू होता है, EMT कहते हैं इसको, एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, जिससे कि एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, वो हाइलिन लेयर को छोड़ना शुरू करती है और बेसल सरफेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती हैं, और फिर इस लेयर को ब्लास्टोडर्म वाली जो ये लेयर है इसको छोड़ देती है और अंदर की तरफ रिलीज हो जाती है। ये मूवमेंट कहलाता है इनग्रेशन। तो इनग्रेशन के द्वारा जो प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स अंदर ब्लास्टोसेल कैविटी में रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, इनमें कुछ डिफरेंशिएशन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, और ये प्राइमरी मेसेनकाइमल जो सेल्स हैं ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करती हैं, यानी कि ये खुद इनके अंदर बीटा कैटालिन सिग्नलिंग पाथवे चलता है जो कि कोई स्पेसिफिक जीन्स का एक्सप्रेशन करवाता है, और वो इन्हें ये डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स में। और ये प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट होती हुई जो सेल्स हैं ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करवाती हैं वेज टू वाली जो लेयर है उनकी सेल्स का, और यहाँ पर TGF बीटा लाइक जो पैराक्राइन सिग्नलिंग फैक्टर है एक्टिविन, उसका सिक्रेशन किया जाता है इन लार्ज माइक्रोमीयर सेल्स के द्वारा जो कि इन वेजिटल टू लेयर। ठीक है, तो यहां पर जो है अब ये जो सेल्स हैं इनवेजिनेशन होना शुरू होता है, और इनवेजिनेशन में यहां पर प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो एपिथेलियल ये जो लेयर ये ब्लास्टोमियर्स की जो लेयर बनी हुई है ब्लास्टोडर्म की यहां से बाहर आना शुरू होती हैं, इसे इनग्रेशन कहा जाता है। प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स ये हमने प्रीकर्सर पहले ही देख लिया था फेट मैप्स जो हमने बनाया था वहां पर कि प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये ऑटोनोमस सिग्नलिंग करती हैं, ये खुद इसके अंदर कुछ बीटा कैटालिन सिग्नलिंग पाथवे चलता है और वो इसे डिफरेंशिएट करवाता है लार्वल स्केलेटल मसल्स में। तो ये आगे चलकर स्केलेटल जो सेल्स हैं वो बनाएंगी, स्केलेटल सेल्स बनाएंगी प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स, और ये साथ साथ प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं ये सिग्नलिंग शुरू करवा देती हैं वेज टू लेयर वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर। तो वेज टू लेयर वाली जो सेल्स हैं वो सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स बनाएंगी आगे चलकर, और इनके अंदर जो है ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है वेज टू लेयर वाली सेल में एक्टिविन या TGF बीटा फैमिली वाला जो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसका सिक्रेशन किया जाता है इन लार्ज माइक्रोमीयर्स के द्वारा एक्टिविन का, जो कि स्टिमुलेट करता है वेज टू लेयर वाली सेल्स को सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स बनाने के लिए, और साथ साथ डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे भी यहां पर चलता है। तो ये प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स या सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो है ये एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांजिशन EMT प्रोसेस के द्वारा बनती है, ऑटोक्राइन या पैराक्राइन सिग्नलिंग यहां पर चलेगी और थ्री लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो इनवेजिनेशन से ये जो ब्लास्टोपोर था ये अब अंदर की तरफ जा रहा है, आर्कियांट्रॉन बनता है, आर्कियांट्रॉन बनने के दौरान कन्वर्जेंट एक्सटेंशन जो कि एक सेल मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। एक्चुअली ये ब्लास्टोपोर बनता है तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये डिवीजन करती हैं, और डिवीजन करके ये जो सेल्स बनाती हैं वो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर और लेंथनिंग प्रोवाइड करती है आर्कियांट्रॉन को, ये प्रोसेस कन्वर्जेंट एक्सटेंशन कहलाता है। तो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन जो है सेल मूवमेंट उसके द्वारा आर्कियांट्रॉन की लेंथनिंग होती है, इसी दौरान कुछ और मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो रिलीज हो जाती हैं जो कि सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स बनाएंगी। इन सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स पर कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस निकलते हैं जो फिलापोडिया लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिन साइटोस्केलेटन में चेंजेस के कारण बनता है। तो ये फिलापोडिया लाइक जो स्ट्रक्चर इन सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स से बाहर निकलती हैं ये ब्लास्टोडर्म वाली जो सेल्स हैं उनके साथ जाकर अटैच हो जाती हैं और एक तरह से पुलिंग एक्शन करती हैं, खींचती है आर्कियांट्रॉन वाली जो सेल्स हैं उनको, जिससे कि आर्कियांट्रॉन की लेंथनिंग जो है फास्ट हो जाती है।
तो ये आर्कियन्ट्रॉन अंदर बढ़ती जा रही है और ये आर्कियन्ट्रॉन की जो अंदर वाली ये लेयर है ये एंडोडर्म बनाएगी, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है ये एक्टोडर्म, और ये मेसेनकाइमल सेल्स जो अंदर रिलीज हो रही हैं ये मेसोडर्म वाली लेयर बनाती हैं। और फिर आगे जो है, क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोम है तो ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर जो है वो एनस का फॉर्मेशन करेगा। ब्लास्टोपोर के अपोजिट साइड में जो आर्कियन्ट्रॉन की ओपनिंग होगी वो माउथ बनाएगी आगे चलकर। तो फिर यहाँ पर ये पूरा गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह प्रोसेस शुरू होता है और फिर प्लूटियस लार्वा स्टेज जो है वो आती है यहाँ पर। और ये प्लूटियस लार्वा स्टेज में अपन ने यहाँ पर ये शो किया है कि ये एनस और माउथ वाला पार्ट बनेगा, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट बनेगा, स्केलेटोजेनिक मसल जो है वो लार्वा का जो स्केलेटन रॉड्स हैं उनका फॉर्मेशन कर रही है। तो ये कुछ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है सी अर्चिन का, उसके बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमने 120 सेल स्टेज वाला जो है एम्ब्रियो उसको शो किया है सी अर्चिन में, और ये नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ये माइक्रोमीयर्स हैं, लार्ज और स्मॉल वाले माइक्रोमीयर्स। लार्ज माइक्रोमीयर वाली जो सेल्स हैं ये ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो करती हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। ऑटोनॉमस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन सेल्स के अंदर जो है कुछ स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स एमआरएनए या प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, और बीटा कैटेनिन और डिशवाइड प्रोटीन जो है वो वेजिटल पोल की तरफ एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं। डिशवाइड प्रोटीन बीटा कैटेनिन के जो है डिग्रेडेशन को रोकती है, उसको एक्यूमुलेट करवा के रखती है। तो जो वेजिटल टीयर जो हैं, वेजिटल टू और माइक्रोमीयर जो प्रेजेंट हैं वहाँ पर बीटा कैटेनिन प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन जो लार्ज माइक्रोमीयर वाली सेल्स हैं उनके अंदर ओटीएक्स प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट रहती है वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो बीटा कैटेनिन के साथ मिलकर इन माइक्रोमीयर्स में पीएमआर प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवाती है। पीएमआर जो है ये एक रिप्रेशर की तरह काम करता है हैस सी जीन के लिए, और ये हैस सी जीन को रिप्रेस करवा के रखता है। हैस सी जो है ये कोड करती है एक रिप्रेशर को जो कि स्केलेटोजेनिक जो जीन्स हैं उनको इनहिबिट करके रखती है। तो यहाँ पर एक डबल नेगेटिव सर्किट काम करता है, और इस डबल नेगेटिव सर्किट के कारण जब PMR1 एक्सप्रेस होगी तो वो हैस सी को इनहिबिट करेगी, और हैस सी का इनहिबिशन होने से जो है ALX1, TBR, ETS और डेल्टा जो जीन्स हैं ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, और इनके एक्सप्रेस होने के कारण माइक्रोमीयर वाली जो सेल्स हैं लार्ज उनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है, और ये प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स में या स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं, और ये सेल्स पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं एक्टिविन, जो कि TGF बीटा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाली फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा सेल टू सेल या जंक्स्टाग्रेन सिग्नलिंग की जाती है इनके द्वारा डेल्टा और नॉच सिग्नलिंग। डेल्टा प्रोटीन इन स्मॉल माइक्रोमीयर जो है लार्ज माइक्रोमीयर्स इनके अंदर एक्सप्रेस होती हैं, तो वो एनिमल पोल की तरफ ऊपर जो इनके ये वेजिटल टीयर वाली सेल्स हैं जो कि इनके ऊपर प्रेजेंट हैं इन सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स फॉर्मेशन के लिए या नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स के लिए सिग्नलिंग जो यहाँ पर की जाती है। इन सेल्स में ओटीएक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होने के कारण बीटा कैटेनिन PMR1 को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता, और PMR1 का जो इनहिबिशन है हैस सी पर वो नहीं हो पाता, जिससे कि हैस सी वाली जीन एक्सप्रेस होती है और वो स्केलेटोजेनिक जो जीन्स हैं उनको इनहिबिट करवा देती है, जिससे कि ये वेज टू जो टीयर वाली जो मैक्रोमीयर्स हैं ये नॉन स्केलेटोजेनिक या सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है सी अर्चिन का वो
कंप्लीट होता है और